पे पहले हम लोग सब्जेक्ट ढूंढेंगे, सब्जेक्ट के बाद हैव हैज लाएंगे, हैव अब्लिक हैज, उसके बाद बिल लगा देंगे, वर्ब में आईएनजी जिसको वर्ब फॉर कहते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस और फॉर, और उसके बाद टाइम और फुल स्टॉप। सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम आती है सिंस और फॉर का स्टूडेंट। तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका दोस्त आफ्ताब, और आज एक बहुत आपके लिए बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ। और फ्रेंड्स, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि ये जो टेंस है हमारे लिए बहुत ही दिक्कत करती है, बहुत ठीक से समझ में नहीं आता है, बना नहीं पाते, बोल नहीं पाते। तो स्टूडेंट्स, आज मैं जिस टेंस का डिस्कशंस करने जा रहा हूँ उस टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो फ्रेंड्स, इस टेंस को मैं इतनी ईजी मेथड से पढ़ाऊँगा कि मेरा जो कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट होगा उसको भी इसको समझ जाएंगे। बट आपसे यही अपील है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें और इसको देखते रहें। मैं बिल्कुल एक इजी मेथड से आपको पढ़ाऊंगा, और मेरा कहना भी है कि करो कुछ ऐसा काम कि दुनिया करे दिल से सलाम। और आउट डिले हम लोग सीधे बोर्ड पर चलते हैं, और आज का जो मेरा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का, इस पर डिस्कशन करते हैं। तो फिर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस देख सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। हाँ, इसको दो नाम से बुलाते हैं, इसको प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इट टेंस इज कॉल्ड टू नेम्स, है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, है ना। अब इसको सबसे बड़ी बात क्या है स्टूडेंट्स, कि हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। हाँ, कोई इंग्लिश में आपसे पूछता है डिफाइन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, वट डू यू अंडरस्टैंड बाई द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, वट इज मीन्ड बाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, वट इज कॉल्ड ए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी क्वेश्चन पूछने का डिफरेंट आइडिया है। तो फिर आप हाउ विल बी गिव आंसर इन इंग्लिश, तो अंग्रेजी में कैसे जवाब देंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है, यहाँ पे देखना मेरे साथ आप बने रहें। अब देखें यहाँ पे डेफिनेशंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, परिभाषा, बिल्कुल सही आपने बताया। यहाँ पे देखिए, इट शोज, यह दिखाता है दैट कि समथिंग, कुछ स्टार्टेड, शुरू हुआ है इन द पास्ट में, कुछ चीज जो है पास्ट यानी भूतकाल में शुरू हुआ है, एंड और इज कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट टाइम्स, और वह काम जो है वर्तमान समय में भी जारी रहता है। सिंपल है ना, इंग्लिश में डेफिनेशन, हिंदी में मैं समझा दिया कि कोई काम वो भूतकाल में शुरू होता है और वर्तमान काल में भी जारी है, उसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। स्टूडेंट्स ऐसे नहीं मानेंगे, आपको एग्जांपल से समझाएंगे और एग्जांपल से डेफिनेशन से हम टैली करेंगे, और जब तक टैली नहीं करेंगे, प्रूव नहीं करेंगे, कैसे आप बिलीव करेंगे। तो आप बने रहें वीडियो से, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, कि आपने डेफिनेशन देख लिया कि इट शोज दैट समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट टाइम, नो प्रॉब्लम। अब आइडेंटिटी, चूंकि हमारे हिंदी के भी स्टूडेंट्स हैं, तो आइडेंटिटी पहचान क्या है इसको, तो स्टूडेंट्स अब आइडेंटिटी देखते हैं कि इसकी पहचान क्या है, हिंदी में भी पहचानने का तरीका होना चाहिए। तो आइडेंटिटी क्या होगा कि हिंदी क्रिया अंत में, वर्ब अंत में, हिंदी क्रिया अंत में क्या होगा, ता आ रहा है, ती आ रही है, या ते आ रहे हैं इत्यादि हो, ऐसे भी हम पहचान कर सकते हैं कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। दूसरा है, इसके अलावा भी या रहा है, रही है, रहे हैं, ये हो, इत्यादि हो, तथा इसके साथ समय जुटा रहे, ये सब हो, लेकिन समय जुटा रहे तो आप समझना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। एग्जांपल देख सकते हैं, वह पढ़ते आ रहा है, वह पढ़ते आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, ते आ रहा है, तो ते आ रहा है, इससे हम ये साबित हो जाता है कि मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या है। परिभाषा से कैसे, वो पढ़ते आ रहा है, यानी वह जो है काम कब स्टार्ट किया है, पास्ट में, और अभी भी यानी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, यानी पढ़ते आ रहा है, इसीलिए परिभाषा से भी टैली कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग दो घंटों से पढ़ रहे हैं, हम लोग दो घंटों से पढ़ रहे हैं, अगर हम पहचान से देखेंगे तो लास्ट में रहे हैं कि नहीं, और इसमें समय है कि नहीं, दो घंटों से, तो लास्ट में रहा है, रही है, हो, और इसमें समय लगा हो, तो उससे भी आइडेंटिटी कर सकते हैं कि यह वाक्य मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। और दूसरी बात है कि परिभाषा से कैसे टैली करेगी, तो देखिए, वह हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी हम लोग काम कब शुरू किया है, पास्ट से, और हम लोग पढ़ रहे हैं दो घंटे से पढ़ रहे हैं, यानी अभी पास्ट से शुरू किया है और प्रेजेंट टाइम अभी भी ये पढ़ रहे हैं, तो ये परिभाषा से भी टैली हो रहा है ना। यानी दोनों एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि परिभाषा से भी, पहचान से, दोनों टैली हो रहा है। तो जब तक प्रूव नहीं होगा तब तक आप
बिल्कुल अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आगे और भी बेहतर ढंग से समझेंगे जब इसका हम चलते हैं कि कैसे इसको बनाएंगे, है ना, कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे। ये बातें हैं, जब आपको इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करने आ जाएगा, या जहाँ कहीं पे इंग्लिश हो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने आ जाएगा, या हिंदी को अंग्रेजी में, तो बहुत ही बेहतर नॉलेज। तो फिर अगले टॉपिक पे हम देखते हैं और बातें करते हैं, तो आप मेरे वीडियो साथ बने रहे फिर। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं, अब बनाना सीखते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। अफर्मेटिव समझते हैं ना, और पहले प्रीवियस वीडियो बता चुके हैं, अफर्मेटिव का मतलब उस वाक्य में नहीं और क्या, कुछ भी नहीं हो, बिल्कुल सिंपल हो, दैट इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले हम लोग सब्जेक्ट ढूंढेंगे, सब्जेक्ट के बाद हैव हैज लाएंगे, हैव अब्लिक हैज, उसके बाद बिल लगा देंगे, वर्ब में आई एन जी जिसको वर्ब फोर कहते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस और फॉर, और उसके बाद टाइम और फुल स्टॉप। सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम आती है सिंस और फॉर का, स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, सिंस और फॉर का। तो यहाँ पे देखना कि चूंकि सिंस से के लिए यहाँ पे है ना, कि वह दो घंटों से पढ़ रहा है, दो घंटों से पढ़ रहा है, जिसे आप लिखेंगे वह दो घंटों से पढ़ रहा है, यानी कहाँ पे से के लिए सिंस लगाएंगे और कहाँ पे से के लिए फोर लगाएंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि हमको यह बताया जाएगा बच्चों की कि पीरियड ऑफ टाइम के पहले फोर लगा देंगे और पॉइंट ऑफ टाइम के पहले हम सिंस लगा देंगे, लेकिन हमारे स्टूडेंट समझ नहीं पाते। तो फ्रेंड्स मैं बहुत ईजी मेथड से बिल्कुल उसको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि सिंस का यूज कहाँ करेंगे और फोर का यूज कहाँ करेंगे। यहाँ पे देखना स्टूडेंट, यहाँ पे सिंस लिखे हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, फोर लिखे हैं, ठीक है ना। तो जहाँ पे जैसे सुबह शाम दोपहर हो, सुबह शाम दोपहर हो वहाँ पे सिंस लगाएंगे, जहाँ पे बजे हो, बजे मतलब दो बजे से, तीन बजे से, दस बजे से, बीस बजे से, वहाँ पे से के लिए क्या लगाएंगे, सिंस। जहाँ पे दिन का नाम हो, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, वहाँ पे दिन का नाम हो वहाँ पे से के लिए क्या लगेंगे, सिंस लगाएंगे। जहाँ पे महीना का नाम हो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, यानी जहाँ पे महीना का नाम हो वहाँ पे से के लिए क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। और जहाँ पे सन हो, यानी 2021 1995 1990, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, सिंस लगेंगे। जहाँ पे गत हो, गत रविवार, गत वर्ष, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। इतने में सिंस लगाएंगे और बाकी में क्या लगाएंगे, फोर लगा देंगे। तो यहाँ पे फोर का भी कुछ दे दिया हूँ, जैसे दो दिनों से, यानी दो दिनों से नहीं, एक दिनों से, दो दिनों से, दस दिनों से, बीस दिनों से होते हैं, यहाँ पे से के लिए फोर लगाएंगे। अब जैसे दो सप्ताहों से, तीन सप्ताहों से, दस सप्ताहों से, बीस सप्ताहों से, तो वहाँ पे से के लिए हम लोग फोर लगा देंगे। यहाँ पे दो महीनों से, चार महीनों से, बीस महीनों से, तो यहाँ पे से के लिए हम फोर लगा देंगे। दो सालों से, तीन सालों से, दस सालों से, बीस सालों से, तो से के लिए यहाँ पे फोर लगा देंगे। लंबे समय से, लॉन्ग टाइम, वहाँ पे भी हम लोग से जब आएगा तो फोर लगा देंगे। हाँ, एक मिनट से, दो मिनटों से, तीन मिनटों से, वहाँ पे हम लोग फोर लगा देंगे। बस मिल गया ना, अब इसको बनाना सीखते हैं, बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। वह पढ़ते आ रहा है, वह पढ़ते आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये बताओ कि वो पढ़ते आ रहा है, तो पहला मेरा काम क्या होगा, पहला मेरा काम होगा कि वह पढ़ते आ रहा है, हम ये पहचानेंगे कि देखेंगे कि यह मेरा वाक्य किस टेंस का है। तो पढ़ते आ रहा है यानी वो पढ़ते आ रहा है, यानी पास से शुरू हुआ है, प्रेजेंट में काम चल रहा है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। या अगर हम परिभाषा फिर देखेंगे ते आ रहा है, तो ते आ रहा है ये भी इंडिकेट करता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, ठीक है। तो पहला मेरा काम हो गया, मेरा पहला काम हमने कर लिया कि टेंस को आइडेंटिटी कर लिया। अब दूसरा काम होगा कि वह पढ़ते आ रहा, हम देखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य का प्रकार कैसा है, कैसा वाक्य है। वह पढ़ते आ रहा अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव, कैसे अफर्मेटिव से है। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हो ना, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, कर्ता मतलब करने वाला, डूअर, मैं पढ़ रहा हूँ तो पढ़ने का काम कौन करे, मैं। वह बाजार जा रहा है, तो वहाँ पे वह बाजार जा रहा है, यानी बाजार जाने का काम कौन कर रहा है, वह। वे लोग खेल रहे हैं, तो खेलने का काम कौन कर रहा है, वे लोग, यानी जो डूअर, जो करने वाला। तो कर्ता मतलब क्या हुआ, करने वाला, डूअर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट पहले ढूंढेंगे, जैसे वह पढ़ते आ रहा है, तो पढ़ते आ रहा है ये काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है ना, वह कर रहा है ना। तो हमको सब्जेक्ट पहले ढूंढते, सब्जेक्ट मिल गया, हम लोग आराम से ही लगा देंगे, लगा देंगे। अब कह रहे हैं जैसे सब्जेक्ट मिलेगा उसके बाद हैज लगाना, तो ही चूंकि सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो क्या लगा देंगे, हैज। तो यहाँ पे आराम से हैज लगा देंगे, और सब में बिल लगता है, तो आराम से यहाँ पे हम बिल लगा देंगे, बिल लगा देंगे। कहते हैं वर्ब है, वर्ब क्या है, पढ़ना, रीड, और कहते हैं इसमें आई लगा दीजिए, तो ही हैज बीन रीडिंग, ही हैज बीन रीडिंग। चूंकि इसमें वह पढ़ते आ रहा है, यानी समय इसमें हिडन है, सामने नहीं, छिपा हुआ है ना। अब इसी एग्जांपल के दूसरा एग्जांपल लेंगे कि मान लीजिए हम लोग लिखते हैं सोहन दो बजे से पढ़ रहा है। अब स्टूडेंट देखो, सोहन दो बजे से पढ़ रहा है, यहाँ पे देखेंगे सोहन दो बजे से पढ़ रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहला काम
हम टेंस को आइडेंटिटी करेंगे तो देखो रहा है और 2 बजे से यहाँ पे टाइमिंग है तो इससे भी पहचान होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है क्या, या आप वही चीज़ ये काम स्टार्ट हुआ है पास्ट में और प्रेजेंट में भी चल रहा है तो 2 बजे पढ़ रहे हैं तो हमने टेंस को पहचान लिया। वक्त कैसा है, अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, तो कैसा है अफर्मेटिव से, तो अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। अब सब्जेक्ट ढूंढो, वह जोहन 2 बजे से पढ़ रहा है ना, अब सब्जेक्ट नहीं मिलता है कौन लगा, प्रश्न करो ना कौन 2 बजे से पढ़ रहा है, ऐसे भी अब पढ़ने का काम कौन कर रहा है, डूअर कौन है, सोहन है, तो यहाँ पर आराम से हम क्या लिख देंगे, सोहन। सोहन के साथ हैव हैज लगता है, तो हैव हैज में क्या लगेगा, क्या लग जाएगा, हैज, बिल्कुल। और सब में कह रहा है बीन, तो यहाँ बीन लगा देंगे। अब कह रहे हैं भर्ब, तो भर्ब क्या है यहाँ पे, पढ़, तो पढ़ के इंग्लिश क्या होता है, रीड, अगर भर्ब मिल जाए तो उसमें रीडिंग कर दो, आई एन जी लगा दो, भर्ब फोर। अब कह रहा है कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है, अब 2 बजे से, अब यही से के लिए सिंस अफोर्ड लगता है, तो से के लिए बजे हो, तो देखो यहाँ पे किस में आ रहा है, बजे हो, तो बजे है तो सिंस, तो यहाँ पे हम सिंस लगा देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे 2 का इंग्लिश क्या होता है, 2, और बजे के लिए ओ को हम इन्वर्टर पर हम घेर देंगे, क्लॉक लिख देंगे, तो ही हैज बिन रीडिंग सिंस 2 o'clock, ही हैज बिन रीडिंग सिंस 2 o'clock, बन जाएगा आराम से। फिर आगे देखते हैं, तो स्टूडेंट्स एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आप पे अफर्मेटिव की हम बातें कर रहे हैं, चूंकि इसको क्लियर कर ले, अच्छे ढंग से समझ जाए। यहाँ पे देखिए, मेरे पिताजी इस विद्यालय में 10 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, है ना, मेरे पिताजी इस विद्यालय में 10 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, तो पहला मेरा काम क्या होगा, पहला हम इस वाक्य को देखेंगे इस टेंस किस टेंस से है, तो मेरे पिताजी इस विद्यालय में 10 सालों से पढ़ा रहे हैं, यानी 10 सालों मतलब क्या हुआ, ये काम इनका पास्ट में हुआ था, पहले से पढ़ा रहे हैं और आज भी पढ़ा रहे हैं, ने काम शुरू है पास्ट में और वर्तमान में भी चल रहा है, इसका मतलब परिभाषा जब इसका आप देखेंगे तो परिभाषा से टेली कर रहा है, करण पहचान क्या है, हम बोले ना कि यहाँ पे देखिए रहे हैं हो और यहाँ पे क्या है, टाइमिंग है 10 वर्षों से, तो इससे भी इंडिकेट हो रहा है कि यह मेरा वक्त प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, ठीक है ना। अब देखेंगे वक्त कैसे, अफर्मेटिव है नेगेटिव है, तो क्या अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखे हैं, मेरे पिताजी इस विद्यालय में 10 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, तो भाई इस विद्यालय में पढ़ाने का काम कौन करे, मेरे पिताजी, तो सब्जेक्ट तो मुझे मिल गया, क्या लिख देंगे, बोलिए माई फादर, बोलिए माई फादर सिंगलर है तो क्या लिख देंगे, हैज, अब बिन सब मिलेगा तो बिन लिख देंगे। अब कह रहे हैं भर, भर क्या है, पढ़ाना, पढ़ाने के लिए क्या होता है, टीच, ऐसे आई लगा देंगे टीचिंग। अब कह रहे हैं ऑब्जेक्ट, देखिए इसमें ऑब्जेक्ट है इस विद्यालय में, तो इन दिस स्कूल क्या करेंगे, इन दिस, और कह रहे 10 वर्षों से, आपके जो हमने सिंस ऑफ फोर का जो समझाया उसमें देख लीजिए, वर्षों से, 1 वर्षों से, 2 वर्षों से, 3 वर्षों से, 10 वर्षों से, तो इसमें हम लोग फोर लगाते हैं, तो से के लिए हम फोर लगा देंगे, और 10 का 10 होता है, और साल का ईयर, चूंकि 10 प्लुरल है इसमें एस लगा देंगे, 10 ईयर्स, तो माई फादर हैज बिन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 10 ईयर्स, कोई दिक्कत नहीं। और सुबह से वर्षा हो रही है, अब इसमें है कि सुबह से वर्षा हो रही है तो हमको सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपने पास ईट लगा देंगे, ईट लगा दिए, अब ईट के साथ क्या लगेगा, हैज, इसमें लग जाएगा बीन, वर्षा होना क्या होता है, रेन, तो रेन भर्ब है, तो इसमें आई लगा देंगे रेनिंग, और बताए थे सुबह शाम दोपहर, इसमें से के लिए क्या लगाएंगे, सिंस, और सुबह है तो यहाँ पर लिख देंगे मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स आराम से इसको स्ट्रक्चर के माध्यम से इसको बना सकते हैं, कहीं भी दिक्कत आपको नहीं आएंगे। हाँ।